हेलीकॉप्टर से बीरभूम रवाना हुई सीएम ममता बनर्जी, कहा जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी घटनाएं अक्सर राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार में होती रहती है। बीरभूम के रामपुरहाट जाते वक्त कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के काफिले को श्रीनिकेतन में पुलिस ने रोका। रोकने पर धरने पर बैठे। दो दिन पहले हुई हिंसा की घटना की रिपोर्ट लेने जा रहे। बीरभूम के रामपुरहाट के हिंसा प्रभावित इलाके में कड़ी सुरक्षा। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। बीरभूम हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। गवाहों की सुरक्षा के आदेश दिए। ममता सरकार से आज दोपहर तक स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। बीजेपी की 5 सदस्यीय समिति बीरभूम के रामपुरहाट का दौरा करेगी। समिति में 4 पूर्व IPS अधिकारी शामिल। टीएमसी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल आज गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। बीरभूम हिंसा पर रखेगी अपनी बात। बंगाल की बीरभूम हिंसा पर पीएम मोदी का बयान। बोले जघन्य अपराध करने वालों को सजा मिले। सजा दिलाने में केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी। पीएम ने सजा के लिए ममता सरकार से भी अपील की। आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। बीजेपी ने बीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जलाने की घटना की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की भी मांग उठाई। बीरभूम के रामपुरहाट में तृणमूल नेता बहादुर शेख की हत्या के बाद 10 घरों को आग लगा दी गई थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। जिंदा जलकर मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा सीएम ममता को शर्म आनी चाहिए। जिस तरह वहां मारा गया, जलाया गया, वह दिल को दहलाने वाला है। मुझे लगता है ममता बहन को शर्म करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री होकर के और किस प्रकार से उसको मारा गया, जलाया गया गांव के अंदर, ये हृदय विदारक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बीरभूम हिंसा मामले में संज्ञान लिया। राज्य के डीजीपी और बीरभूम के एसपी से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की। एमपी के इंदौर में कल बोरिंग को लेकर हुए विवाद में पथराव और आगजनी हुई थी। वहीं बीजेपी नेता उदय सिंह चौहान के बेटे सुजीत चौहान की चाकू लगने से मौत हो गई। इंदौर में कल हुई मारपीट और हत्या की घटना के बाद चला मामा का बुलडोजर। इंदौर में आरोपी का निर्माण तोड़ा गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल ही भोपाल में किया था ऐलान। अपराधियों पर योगी के स्टाइल में बुलडोजर चलवाने की धमकी दी थी। मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन ले, अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा, मैं चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी चीज। यूपी के बस्ती में रात में नहर की खुदाई कर रही जेसीबी मशीन के सामने लेटे अपर जिला जज मनोज शुक्ला, बिना मुआवजा दिए जमीन अधिग्रहण करने का। एक भी लेटर दिखा दीजिए, हमें कभी सूचना दी गई हो, एक भी लेटर दिखा दीजिए जिसमें मेरे कोई आपत्ति निस्तारित किए गए हो, एक भी दिखा दीजिए, सब इलीगल काम है आपका। पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर गैस के बाद महंगी हुई खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाली पाइप गैस पीएनजी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने 1 रुपया प्रति एससीएम का किया इजाफा। दिल्ली में रेट 36.61 रुपए और नोएडा में 35.86 रुपए हुए। पीएनजी ही नहीं, सीएनजी भी महंगी हो गई है। सीएनजी में 50 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे पहले 8 मार्च को भी 50 पैसे की वृद्धि की गई थी। इस तरह दिल्ली में सीएनजी 59.51 रुपए प्रति किलो हो गए।
राजस्थान के अलवर में अनुसूचित जाति के एक युवक से जबरन नाक रगड़वाने का वीडियो वायरल। युवक ने कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर फेसबुक पर लिख दिया था कि जुल्म सिर्फ कश्मीरी पंडितों पर नहीं हुए, अनुसूचित जाति के लोगों पर भी हुए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर सियासत तेज। संजय राउत ने पीएम मोदी की तुलना पुतिन से की, कहा ईडी को मिसाइल की तरह दागा जा रहा। बीजेपी ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। बीजेपी के मुताबिक आदित्य ने 2014 में एक कंपनी खोली थी, लेकिन बाद में उसे हवाला का कारोबार करने वाले शख्स को बेच दिया था। बीजेपी नेता किरीट सुमैया के बेटे नील सुमैया के खिलाफ मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने शुरू की जांच। वसई में एक जमीन खरीद के घोटाले का आरोप लगा। मुंबई में एक शिक्षक संजय दुबे को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि इसने जी फार्मा में एडमिशन के नाम पर 2 दर्जन से ज्यादा छात्रों से 2-2 लाख रुपए की रकम वसूली थी। पीएम मोदी ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को कारोबार में बड़ी कामयाबी हासिल करने पर बधाई दी। कहा यह जानकर खुशी हुई कि 1 साल में ही 1 लाख करोड़ के कारोबार का लक्ष्य हासिल किया। ये सरकार का ऐसा पोर्टल है जिसके जरिए टेंडर्स देने और लेने का काम होता है। आज से शुरू हुई यूपी बोर्ड की परीक्षा, इस बार 91,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं किस्मत आजमा रहे। नकल रोकने के लिए स्कूलों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। आगरा में आयोजित ताज महोत्सव में कॉमेडी नाइट का आयोजन, चर्चित हास्य कलाकार सुनील पाल ने लोगों को खूब हंसाया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निकाली गई कार रैली, एडवेंचर स्पोर्ट को बढ़ावा देने की कोशिश। गर्मी का सितम हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में भी दिखने लगा है। शिमला में गर्मी ने पिछले 18 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पारा 28 डिग्री तक पहुंच गया है। गर्मी के साथ ही पीने के पानी का भी संकट शुरू हो गया। अभी जो टेम्परेचर्स हैं स्टेट में वो सामान्य एवरेज 6 से 7 डिग्री अधिक चल रहे हैं, और पिछले 24 घंटे की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर गुना में रिकॉर्ड किया गया जो 37.4 डिग्री सेल्सियस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।